बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। दोस्तों कल से फैसलाबाद के बारे में एक वाकया गर्दिश कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज के तस्वीर मैंने ली है कि कुछ औरतें दुकान में दाखिल होती है और वहाँ से कुछ चीज़ें चुरा के ले जाती है और फिर दुकानदार भी दुकान से निकल जाता है और फिर बाहर एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से इन दुकानदारों को गिरफ़्तार होना पड़ा, क्योंकि औरतों ने अपनी जो कमीज़ है वो पाड़ी है और उसके बाद पुलिस ने दुकानदारों को गिरफ़्तार किया है कि आपने औरतों के साथ बदसलूकी की है। आप इन सीसीटीवी फुटेज के साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से औरतों ने एक दुकान में चोरी की और इसके बाद फिर जो औरत दुकानदार के हाथ में आ गई तो उसको छुड़ाने के लिए क्या किया उन्होंने, नहीं किया। आप ये सारी तस्वीर देख सकते हैं जिसमें एक औरत को छुड़ाने के लिए औरत ने सब कुछ अपना पाड़ दिया, कमीज़ वगैरह सब कुछ। उसके बाद पुलिस ने जब इन दुकानदारों को गिरफ़्तार कर लिया तो सोशल मीडिया पर इस दुकानदारों के ख़िलाफ़ एक तूफान खड़ा हो गया कि भाई ये औरतों के साथ बहुत बदसलूकी की गई, इसलिए इनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कौन गलत है और कौन सही है। तो इसलिए दोस्तों अब ये तस्वीरें आप आगे देख ले, आप खुद पता चल जाएगा कि ये इसने क्या किया।